को लेकर चलता हूँ आपकी बुक की तरफ, जो कि बढ़नी का आपकी बुक है। असकम इस बुक के तकरीबन हम अब तक 5 चैप्टर तकरीबन, इस चैप्टर को मिलाकर हमारे 5 चैप्टर हुए, मतलब 1 तो आपको आप लोगों ने देखा था, 2, 3, 4, 5, तो 3 चैप्टर जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से मौजूद है, जिसमें आपके पास देखें 2 वेरिएबल भी है, 3 वेरिएबल भी है हमारे पास ना। आज हमने इसमें से व्हाट प्रॉब्लम को डील करना है, यानी सॉल्व करना है, और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, मैं आपसे शेयर करता हूं ताकि आपको व्हाट प्रॉब्लम जो है वो भी थोड़ा सा यूज्ड टू आप हो जाएं, कि एग्जाम में जो 3x3 हम आपको व्हाट प्रॉब्लम क्रामर रूल करा रहे हैं, इसका इन फ्यूचर होता क्या है, इसको बिजनेस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आधारित बात है, हमने तो आपकी क्वेश्चन दे दी है मैथमेटिकल है, लेकिन अगर बिजनेस की कोई प्रॉब्लम पे इसको आप अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्रामर रूल या कोई सा भी दूसरा मेथड लगाकर, तो आपको ये अच्छे तरीके से ज्यादा समझ में आएगी, तो ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगी। ग्राफ्स भी समझाएंगे आप? ग्राफ्स नहीं, ग्राफ नहीं, मतलब ये 3x3 के मैं अभी व्हाट प्रॉब्लम करवा रहा हूं आपको बेटा। देखिए स्टूडेंट, आप ये वाला पूरा सवाल पहले रीड कर लें, आप ये वाला देखिए, यहां से लेकर यहां तक स्क्रीन बड़ी कर दूं बेटा। यस सर। अब जरा मैं आपकी थोड़ा हेल्प करता हूँ। देखें डिपार्टमेंट ए, उसकी प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ये उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो रिक्वायर्ड अवेलेबल आर जो पर वीक है वो इतने हैं, ठीक है। सारा डिपार्टमेंट बी आपके पास, ये उनके प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, ये टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल वीक जो हैं आपके पास आर हैं, सी है। अब आप ये देखिए कि जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो x1, x2, x3 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, देखें 2x1, 3.5x2, 3x3, 1200 आर आपके पास है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट बी है आपके पास वो क्या है, ये चेक इसकी मिनिमाइज कर देता हूँ इसको मैं, ये देखें बी क्या है, 3x1, 2.5x2, 2x3 = 1150, और सी देखें आपके पास, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। मैं गौर नहीं किया था सर, ये पुट कैसे करें? अब इसके लिए क्या करना है आपको, आप ये देखें, आप इस पे जाएं, 5 पर जाते हैं और 2 पे क्लिक कर दिया हमने। अब ये क्या है देखें, 2 ठीक है, 3.5 सही है, और क्या है 3, और आपके पास क्या है 1200, राइट बेटा। इन दिस सेम में आपके पास 3, 2.5 ठीक है, 2, 1150 ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या है, 4, 3, 2 और आपके पास ये क्या है, 1x कितना आपके पास आ रहा है, अपनी कॉपी में जरा लिख लें आप, अभी मैच करते हैं, x कितना आ रहा है, x1 200 आ रहा है, 200, 100 और 150 क्लियर हो गई बात। ये इक्वेशन कैसे बनाई इसकी सर, ये समझिए इक्वेशन कैसे बनाई, देखें इक्वेशन में आपको देखें, ये आपसे क्या कह रहा है, टेबल 3 समराइज द आर रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट इन ईच डिपार्टमेंट। ये टेबल देखें आपको रिक्वायर्ड गिवन होगा आपके पास ना, देखें मेंशन किया हुआ है, द वीकली कैपेसिटी आर स्टार्टेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन टर्म ऑफ वर्क आर अवेलेबल। देखिए ये बता रहा है कि डिपार्टमेंट ए है, उसकी जो प्रोडक्ट ये हैं और अवेलेबल जो पर वीक आ रहे हैं वो उनके पास इतने हैं। तो लेकिन जब आप इसको, ये आपके पास एक जो है क्या कहते हैं बिजनेस प्रॉब्लम है, इसको फिर आपने किस में कन्वर्ट किया, मैथमेटिकल प्रॉब्लम के अंदर। अब आपकी जो एक्स, आपकी जो एक्स वन प्रोडक्ट है ठीक है ना, वो क्या है 200 आर जो है वो आपकी है ना, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू,
सर यहाँ तो लेकिन X1, X2, X3 है। हाँ लेकिन बेटा बात यह है कि तो बुक वाला है, आप अपने हिसाब से एक्स वाई जेड देखें क्या बता रहा, बोल रहा है लेट एक्स आई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर वीक ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो कंडीशन दे रहा है सेटिस्फाई कर रहा है वो आपकी दे रहा है। तो अब आप ये देखिए कि अच्छा, आप मतलब बात है कि एक्स वाई जेड करें, X1, X2, X3 करें, बात है आपकी मर्जी, इसमें किसी लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको और उसका जरा दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी उससे आसानी हो जाए। अच्छा अब एक काम करें आप लोग, ये वाला क्वेश्चन जरा रीड करें आप, ये वाला, और बड़ी केयरफुली पढ़िएगा ये वाला क्वेश्चन। जी सर, इसमें उसने कांस्टेंट जो है ऊपर सवाल में दे दिया और बाकी उसने टेबल वगैरह और X1, X2, X3 उसने सब उसी तरीके से टेबल में दिया। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन हमारे लिए अब नहीं रहा, क्या ख्याल है? जी जी सर, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी जरा अपना रिस्पांस दे दें। बेटा आप लोग की क्या सूरत हाल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। आप इसको सॉल्व करके दिखा दें क्या आंसर आ रहा सब लोगों का। सर 200, 350 और 100। बाकी लोग भी जरा वेरीफाई करें इस आंसर को, ये सही है या गलत है। सर मेरा यही आ रहा है। चलिए माशाल्लाह ग्रेट। तो देखें अब आप लोग को यहाँ तक कोई परेशानी मुझे लग रहा है कि नहीं हो रही है और ना ही होनी चाहिए। आप लोग ऐसा होमवर्क अपने घर पे ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रहा हूँ मैं, सही है। तो ये जो कुछ चीजें और भी अगर मुझे नजर आएंगी तो मैं वो भी आपसे शेयर कर लूंगा। एक चीज और दिखानी थी आपसे मैंने, आप लोगों को मैंने, एक मिनट रुकिएगा, ये मैं क्वेश्चन जरा देख। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग रीड करें, ये क्वेश्चन आपने मेरे साथ चैप्टर 2 में भी स्टडी किया था, ये वाला क्वेश्चन जरा स्टूडेंट आप लोग रीड करें बेटा, एक मिनट में जरा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन जरा रीड करें और फिर मुझे रिस्पॉन्स दें आप लोग। सर जो MDR वाला कॉलम है वो हमारे पास कांस्टेंट वाला कॉलम लास्ट में आ जाएगा। बिल्कुल 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 सर, अगर क्वेश्चन समझ भी ना रहो तो इक्वेशन को देख के आंसर बना सकते हैं। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के लिए कोई मुश्किल तो नहीं होने चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं सर, नहीं सर, 3, 2 और 4 आ गए आंसर। सही, हाँ बाकी लोग भी जरा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें वो समराइज करके आपको दे रहा है और आपने इस तरीके से उसको एनालाइज कर लेना है। फॉर्मुलेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रोडक्ट दैट वुड बी इन कंज्यूम वीकली लेबर अवेलेबल इन ऑल डिपार्टमेंट। 10 - 5 और 10
सर इसके अंदर सिर्फ वो x और y है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, मतलब z तो नहीं है इसके। हां क्योंकि 2/2 का है। जी जी हिंदी सेम है, फिर वो क्या बोल रहा है, योर फ्रेंड बाय 3 ऑस्ट एंट्रप डेलिलिस इज इक्वल टू 117। तो आपने राइट इन दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने इसको लिखना है। तो जो पहली चीज होती है वो आपके पास x होती है, दूसरी आपके पास y होती है। x और y का टोटल आपको कितना दे रहा है, $193 आपको दे रहा है। जी यहाँ तक इसको इसको भी जरा सॉल्व कर लें आप लोग। सब कर लिया। आंसर जरा शेयर करें आप लोग। सर 11 x का आंसर 11, y का आंसर 7। x का आंसर 11। सर एक जी सर वो इक्वेशन दिखा, ये रही 11 एंड 7। अच्छा 7 सही है। सर इसका भी वही इक्वेशन में जाके होगा जी। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये देखें मोड पे गए, 5 पे प्रेस किया आपने और 1 पे, क्योंकि देखें आपके पास दो वेरिएबल हैं x और y। आपने 1 को प्रेस किया, 8 आपका x का कोफिशिएंट है, 15 आपका y का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है वो आपके पास क्या है, 193। राइट बेटा, उसके बाद 3 आपका x का कोफिशिएंट है, y आपके पास 12 है और कांस्टेंट आपके पास क्या, 117। ठीक है, x का आंसर कितना आ रहा है, 11। y का आंसर चेक कर लें, 7। अच्छा इसको फिलहाल आपने क्रैमर रूल से सॉल्व किया बेटा, ये वाला क्वेश्चन। जी बेटा, तो अब मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 24,000 इन टू कॉर्पोरेट। अब देखिए 24 आपका टोटल अमाउंट है, आपने दो अलग अलग कॉर्पोरेट में पुट किया। अब उन दो कॉर्पोरेट का जो आपके पास है वो दो अननोन है। जब कोई चीज अननोन होती है तो हम क्या, आवाज नहीं आ रही। जब दो चीज हमारे पास कुछ अननोन होती है तो हम क्या करते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 24,000, ऐसी बात है। Yes, sir. इसने क्या कहा कि आपने दो जगह इन्वेस्टमेंट करी है, टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात कर रहा है। तो अब आप ये देखिए कि x और प्लस y कितना है, 24,000। ठीक है, क्लियर हो गया मेरी बात, क्योंकि अननोन है। अब वो बोल रहा है जो उसको पे करेंगे इंटरेस्ट कितना है, 3.5 एंड 5.5 सिंपल इंटरेस्ट। द इन्वेस्टर वॉन्ट एन एनुअल इंटरेस्ट इनकम, उसमें से जो एनुअल इंटरेस्ट इनकम उसको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 930। तो देखें ये आपके पास x उस बॉन्ड का परसेंट है, ये दूसरे बॉन्ड का आपके पास परसेंट है, जो कि टोटल उनका कितना आएगा, 930 आपके पास आएगा। क्लियर है बात। यस सर।